कंपैरिजन करूं जितने भी देखो मान लो ना 2016 का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना अगर उससे भी कंपेयर तुलना किया जाए तो 2020 में भी दो दिन का पेपर जो हुआ है आपका ये आसान आ रहा है और ये आप सभी हर एक चैनल पर हर एक स्टूडेंट के एग्जाम से निकलने के बाद जो पेपर देखोगे ना आप सभी का रिव्यू देख लेना सभी ये बोल रहे हैं बात ठीक है तो आप भी तैयारी बहुत अच्छे से करो जिनका भी एग्जाम है और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई हर शिफ्ट में तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप हर एक क्वेश्चन का नोट्स अपने पास रखना तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और एक बात जज करना कितने आंसर आप सभी को पता था इस शिफ्ट का अगर आप सभी इस शिफ्ट में बैठे होते तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है भारत में इंडिया की बात किया है आपका तो चेन्नई नाजारी टनल ये है सबसे लॉन्गेस्ट टनल रोड इन इंडिया ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ए एस सी आई आई बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत लोग बोलेंगे भैया ये हमने कभी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर का नोट जब भी कोई पढ़ता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और वो इसका फुल फॉर्म ना पढ़ा हो हो ही नहीं सकता क्या है इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अगला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो का किस राज्य में स्थित है उत्तराखंड सुबह भी क्वेश्चन इस पर बना

सासाराम में बिहार का सासाराम ठीक है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में और वहां पर इनका सेशा का मकबरा भी है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो रोहतास क्या पड़ता है आपका सासाराम अच्छा किस सन में हुआ था चौदह में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है? यार मैं क्या हर एक टीचर पढ़ाया होगा जो भी आपको इतिहास पढ़ाता होगा हमायू किसके द्वारा लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा ये सब क्वेश्चन बन रहा है यूनिसेफ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है आपका अमेरिका में पड़ता है लेमन का पीएच वैल्यू 2.5 भाई पीएच मान आप पढ़ लो और मैं एग्जाम से काफी दिन पहले से बोल रहा हूँ पीएच मान से क्वेश्चन बनेगा बनेगा हर शिफ्ट में बन रहा है कभी अल्कोहल के ऊपर कभी एसिड के ऊपर कभी आपका ब्लड के ऊपर लेमन के ऊपर देखो क्वेश्चन एक बहुत आम क्वेश्चन बच्चा सा क्वेश्चन पूछा है बेरी बेरी विटामिन बी वन कब से आप पढ़ते आ रहे हैं बच्चा सा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कावेरी जल विवाद किस दो राज्य के बीच का है तो तमिलनाडु और कर्नाटका कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका गणतंत्र दिवस 2021 तो के मुख्य अतिथि भारत के आ, अच्छा ये क्वेश्चन आपका ना क्वेश्चन क्या पूछा था कि गणतंत्र दिवस 2020 दो हजार 2021 नहीं बोला था 2020 में चीफ गेस्ट कौन था रिपब्लिक डे के मौके पर तो आंसर क्या होगा आंसर था आपका ब्राजील का राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो ठीक है लेकिन यहां पर इक्कीस मैंने डाल दिया ये भी आप याद रखना आने वाले शिफ्ट में आने वाले दिन में ये क्वेश्चन भी पूछ दिए तो सॉक्ट मत होइएगा 2021 में जो रिपब्लिक डे होने वाला है चीफ गेस्ट कौन है तो ब्रिटेन यूके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्या नाम है उनका बोरिस जॉनसन ये 21 में चीफ गेस्ट होने वाले हैं आज पूछा था आपसे दो 20 में चीफ गेस्ट कौन था तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो अगला क्वेश्चन एच का फुल फॉर्म क्या है हाई लेवल लैंग्वेज यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है पेरिस फ्रांस ये कौन सा एग्जामिनर ये पेपर सेट कर रहा है आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है भारतीय संविधान के पिता कौन थे बी आर अंबेडकर ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे भाई डीमोटाइजेशन की धारान आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम आप सभी से पूछा है बताइए ये बात आपसे पूछा गया अर्जित पटेल आईपीएल 2020 के विनर कौन है मुंबई इंडियंस भैया आप मजाक नहीं कर रहे दिन से बोल रहे हैं। यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एग्जाम में महात्मा गांधी ने 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्ष की थी कांग्रेस अधिवेशन का याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन आज आपसे ये पूछा था किस वर्ष में महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सेशन का तो 1924 में ठीक है अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था आज के एग्जाम में सार्क सार्क में चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिया गया था और बोला था उस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कि वो कंट्री वो कंट्री जो है वो सार्क का हिस्सा नहीं है तो जो सार्क का मेंबर नहीं है वो आपका आंसर होता आपको पता है सार्क जो इसके अंदर टोटल आठ कंट्री आते हैं कौन कौन सा तो अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर नहीं होगा ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा था हमसे पाइथन क्या है कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगला क्वेश्चन जातक कथा किस धर्म से संबंधित है बौद्ध धर्म से बुद्धिज्म राइट अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जाडूगुडा ये जो माइन है खदान है वो किस राज्य में झारखंड में है क्वेश्चन पूछा था आपसे गीता गोविंद लिखा गया है के द्वारा चाइना का राजधानी आपसे पूछा है बीजिंग अगला क्वेश्चन का फुल क्या है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पहले राष्ट्रपति कौन है इंडिया के क्या बात कर रहे हैं भैया विश्वास मानो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है सारे क्वेश्चन और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगला क्वेश्चन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था 2020 का तो आपको पता है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी ये 2020 का क्या था विषय था थीम ये आपसे पूछा है पहला नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसका स्थापना हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है आसानी क्वेश्चन है इबन बतूता यह इंडिया में किस कंट्री से आया था तो मोरक्को और एक बात ये किस शासक के समय आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है अगला इंटेल आई नाइन ये क्या है तो सभी को पता है जिनके घर में लैपटॉप है पीसी है कि इंटेल आई थ्री आई फाइव i9 i7 ये सब क्या है? प्रोसेसर है इंटेल का अगला क्वेश्चन हमारे सामने पालघाट किस पर्वत में स्थित है पश्चिमी घाट उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उम्मीद करते हैं आप सभी ऑलमोस्ट 90% आंसर आप सभी को क्वेश्चन का पता ही था एक बार कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता था यानी आपको आंसर गलती था अगर एग्जाम में बैठ थे तो आप सभी छोड़ कर आते हैं कितने क्वेश्चन को ठीक है बाकी क्लास अच्छा लगा होगा आप सभी लाइक कर दीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी प्लीज़ ताकि क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे